सोलन शहर हिमाचल प्रदेश का एक उभरता हुआ शहर है, लेकिन यहाँ पर दुकानदारों के अतिक्रमण से रास्ते संकरे होते जा रहे हैं, जिस पर नगर परिषद मौन बैठी है। हालांकि नगर परिषद अतिक्रमण को हटाने का लगातार दावा करती आ रही है, लेकिन धरातल की कहानी विपरीत है और दुकानदार जमकर अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं। सोलन शहर में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा रखा सामान देखने को मिलेगा, जिसे यहाँ की सड़कें संकरी होती जा रही है। लोअर बाजार सहित कई जगहों पर दोपहिया वाहन आते जाते हैं, लेकिन दुकानदारों की मनोपली से वाहनों को ले जाना मुश्किल होता है। इसकी वजह से राहगीरों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन नगर परिषद सोलन गरीब रेहड़ी फड़ी वालों को उठाकर अपनी पावर दिखाती है। जब बात धन्ना सेठों की आती है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, जिसका परिणाम ये है कि सोलन शहर में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को लेकर जब नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ रोजाना कार्य करती है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए अब स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने माना कि दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। ये ठीक है कि शहर में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस चीज को नजर रखते हुए नगर परिषद ने एक स्थायी कर्मचारी को इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए रख दिया गया है। नगर परिषद पूरी तरह मुस्तैदी से जितने भी अतिक्रमण हैं, जहाँ भी है, उनको हटा रही है। इसमें कौन कितना प्रभावशाली है उसको ये नहीं देखा जा रहा है। जहाँ भी हमें नज़र आता है कि इससे लोगों को असुविधा हो रही है, आने जाने वाले व्हीकलों को कोई असुविधा हो रही है, उसको हम एकदम हटा देते हैं। इसीलिए हमने एक परमानेंट आदमी जो है, स्थायी कर्मचारी जिसके पास अतिक्रमण हटाने की पावर दी गई है, रख लिया गया है। और अब शहर में काफ़ी हद तक अतिक्रमण करने से लोग घबराते हैं, कम हो रहा है और आने वाले समय में ये बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर ये चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पर अभी पिछले ही दिनों हमने हॉस्पिटल के पास, फिर रेलवे रोड के पास और फिर राजगढ़ रोड पर हम इस प्रकार के अतिक्रमण डेली हटाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।